क्या ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपके फोन की होम स्क्रीन पर शो नहीं हो रही? अगर ऐप डाउनलोड करने के बाद आपके फोन की होम स्क्रीन पर शो नहीं होती है तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेथड्स बताने वाली हूँ जिससे आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। मेथड 1, ऐप इंस्टॉल करने के बाद अगर आपकी होम स्क्रीन पर शो नहीं होती है तो वो ऐप आप अपने फोन के सर्च बार में सर्च करें, फिर ऐप पर प्रेस एंड होल्ड करें और ऐड टू होम स्क्रीन पर टैप कर लें। अब ऐप आपकी होम स्क्रीन पर शो हो जाएगी। मेथड 2, अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं, स्क्रॉल कर होम स्क्रीन पर टैप करें। अब यहाँ आपको ऐड न्यू एप्स टू होम स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन के लिए टॉगल ऑन कर दें। इसके बाद इसके जस्ट नीचे हाइड एप्स ऑन होम एंड एप्स स्क्रीन्स, इस पर टैप करें। और यहाँ हिडन एप्स में अगर आपको वो ऐप दिखती है जो होम स्क्रीन पर शो नहीं हो रही तो उसके ऊपर माइनस आइकन पर टैप कर उसे अनहाइड कर दें। मेथड 3, अगर आप सैमसंग यूजर हैं तो सैमसंग फोन में कोई गेम इंस्टॉल करने के बाद अक्सर वो ऐप गेम लॉन्चर ऐप में चली जाती है और होम स्क्रीन पर शो नहीं होती। इसीलिए आपको होम स्क्रीन पर शो करने के लिए आपको गेम लॉन्चर ऐप ओपन करना है, फिर नीचे राइट में मोर ऑप्शन पर टैप करना है। अब यहाँ आपको सेटिंग्स में जाना है, इसके बाद शो गेम एप्स पर टैप करके इन गेम लॉन्चर ओनली की जगह आपको इन गेम लॉन्चर एंड द होम एंड ऐप स्क्रीन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऐप आपके होम स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। अगर इनमें से कोई भी मेथड आपके लिए वर्क नहीं करता है तो आप अपना फ़ोन रीस्टार्ट करके देख सकते हैं। अपना फ़ोन रीस्टार्ट करने के बाद चेक करें कि इंस्टॉल्ड ऐप आपके होम स्क्रीन पर शो होती है या नहीं। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे और यूजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।